हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक विद द न्यू ब्लॉग। सो सुबह से तो बस थोड़ा सा काम वाम हो रहा था एंड अभी जस्ट कपड़े वगैरह धो के ना धो के आई थी और अभी बनाऊंगी खाना। और खाना भी क्या, मैं और विक्की सिर्फ दो ही हैं अभी तो, क्योंकि वो कहीं बाहर गए हुए हैं और उनको आने में टाइम लगेगा, लाइक कुछ शाम तक आएंगे। तो वैसे भी आज मैं फ्री थी, मैं सोच रही हूँ कुछ बोटल्स हैं उन पर कलर कर लूँ, क्योंकि मुझे प्लांट लगाने हैं, बिना प्लांट के मेरा जीवन अधूरा है। तो यस, मुझे प्लांट्स लगाने हैं। तो मैं सुबह गई थी कलर लाने के लिए, तो एक दो स्टोर पे तो, पर वो बच्चों वाले मिलते हैं, वो लाइक वो स्केच कलर और वो पेंसिल कलर ये। फिर एक सोसाइटी में थी एक शॉप स्टेशनरी की, पर्टिकुलर स्टेशनरी की थी वो, उस पर गए। वो बंद थी, उसका टाइमिंग था 12:30 से लेके 6:30 बजे तक। तो अभी जब 12:30 बजेंगे उसके बाद, मतलब 1-1:30 बजे के आसपास मैं जाऊंगी, कलर लेके आऊंगी, फिर दोपहर में बैठे बैठे मैं वही करूंगी। क्योंकि मैं कलर तो लेके आई हूँ, बस जो बेसिक से कलर्स हैं ना, लाइक ब्लैक और वाइट, जो कि हर मतलब चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वाइट तो मिक्सिंग में काम में आता है, अब ब्लैक तो चाहिए ही, आउटलाइन या कुछ भी आप कर रहे हो उसके लिए। ये मैं वहाँ से लेके नहीं आई थी गांव से, क्योंकि वो बड़े बड़े डिब्बे थे, तो उनको क्या ही कैरी करती, बहुत वजन रोकते, और उसमें से थोड़ा बहुत खाली भी हो रहा है, तो मैंने सोचा ख़रीदने तो है ही, तो यहीं से ले लूँ, तो यहाँ भी काम आ जाएंगे थोड़े बहुत। बाकी जो छोटी छोटी टीनी टीनी से डिब्बे थे वो मैं लेके आ चुकी थी। सो बस आज मैं वो कलर कर, अभी मैं बना रही हूँ खाना एंड रात की थोड़ी सी आलू की सब्जी जो है वो बची हुई है, तो और एक स्वीट बन भी पड़ा है, तो मैं सोच रही हूँ उसका भी जुगाड़ करूँ, मतलब कि उसका भी कुछ ना कुछ करूँ। और खाने में वैसे भी बहुत टेस्टी लगता है अगर आप उसको बटर लगा के और अच्छे से सेको तो। मैं सोच रही हूँ उसके अंदर ना मसाला भर के, सॉस वॉस लगा के, चीज़ वगैरह मेरे पास है नहीं तो प्याज वगैरह ये सब कट करके और वो सब लगा के देन उसको अच्छे से गर्म करूँ, सेकूँ, और फिर उसको खाने का ना शायद मज़ा ही अलग आएगा, पता नहीं, मैं पहली बार ट्राई करने वाली हूँ। आई होप आपको अच्छी लगेगी, मतलब अगर आपके पास, वैसे तो सब लोग कहीं ना कहीं जुगाड़ कर ही लेते हैं, क्योंकि इंडियंस में ना जुगाड़ वाला जो सीन है ना, मतलब इंडियंस में जुगाड़ वाला जो फिल्टर है बहुत ज़्यादा है, हर किसी में होता है, कोई भी चीज़ हो, किसी न किसी चीज़ का कुछ ना कुछ जुगाड़ हो ही जाता है। आई नो सबके घर में अगर ब्रेड होती होगी, बन होते होंगे, या उनका मसाला बच जाता होगा तो उसका कुछ ना कुछ करते ही होंगे। उनकी सब्जी बची हुई है तो ट्रस्ट मी वो बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। अगर आप चाहो तो ब्रेड यूज़ कर सकते हो, और अगर आपके पास बर्न को मिडल में से कट कर लिया, प्याज मैंने काट, एक प्याज मैंने काट लिया और एक टमाटर एंड थोड़ा सा सॉस और बटर के साथ हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं बर्न में ये जो आलू की सब्जी है ये भर दूँगी, मतलब आप जितनी चाहो उतनी ले सकते हो, जितनी आपकी इच्छा है। अब मैं इसमें प्याज लगा दूंगी, ऑप्शनल है अगर आप चाहो तो, क्योंकि मुझे प्याज पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं सैंडविच या किसी भी चीज़ में। और देन टोमेटो, ये मुझे थोड़े से कम पसंद है इसलिए मैंने कम लिए हैं, उनको अच्छे से अंदर की तरफ थोड़ा दबा दें ताकि वो निकले नहीं। देन अब हम इसमें थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, क्योंकि मेरे पास मिक्स हर्ब्स नहीं है ना ही ऑरिगैनो, सो मैं चिली फ्लेक्स ऐड करूँ। एंड अब इस दूसरे वाले बर्न पर मैं टोमेटो केचप ऐड करूँगी, या बाद में भी यूज़ कर सकते हो, मतलब पहले भी लगा सकते हो। मेयोनीज अभी मेरे पास है नहीं,
मेयोनीज या फिर चीज़, वरना मैं वो ऐड करती। उसको अच्छे से फैला देंगे। अब इस पूरे बन को कवर करके इसके ऊपर की तरफ और इस बन के नीचे की तरफ बटर लगा देंगे। और बटर मैं मार्केट से नहीं लाई थी क्योंकि घर पर निकाला हुआ वो था, तो मैं भी थोड़ा सा इस तवे पर भी लगा दूंगी। और अभी घी गरम होने के बाद मैंने इसको उस पर तवे पर रख दिया है। बिल्कुल लो फ्लेम पर आपको रखना है वरना ये जल जाएगा। और जब ये पूरा सेक जाए तो आप इसको पलट कर ऊपर की तरफ से भी सेकिए। और ये थोड़ा सा ज़्यादा भुन गया है, मतलब कि वो नॉन स्टिक पैन रहता है तो ज़्यादा बेटर रहता है। पर ये एक मिनट में बनने वाली क्विक रेसिपी है। अगर आपको मिडनाइट भूख लग जाती है तो ये बहुत ही बेस्ट तरीका है। मुझे नहीं पता ये क्या बना था, पर ये अगर कभी आपको भूख लगे और एक मिनट में बनाने के लिए कुछ नहीं हो, क्योंकि मैगी बिना दो मिनट में नहीं बनती है, वो भी बहुत लेट बनती है। दो मिनट तो सिर्फ ऐसे ही है, 10 मिनट में बनती है पूरा, 10 मिनट से ज़्यादा ही बनती होगी। सो यस, अभी मैंने क्विक बिल्कुल एक मिनट से भी कम लगा इसमें इसको बनाने में। सो अगर आपको भूख लगे जल्दी, मतलब जल्दी या क्या वो कभी भी जब भी आपको लगे, आप ऐसा कुछ बना के खा सकते हो, क्योंकि मुझे कुछ इस टाइप का ही फूड पसंद है। सो यस, मैंने इसको दो पार्ट में कट कर लिया था क्योंकि खाया नहीं जाता ऐसे। कलर वगैरह का काम मैंने सारा फिनिश कर लिया है और उनमें प्लांट्स मैं कल लगाऊंगी। आज तो मुझे टाइम नहीं है क्योंकि अभी 6:30 बज गए और अभी खाना भी बनाना है। थोड़ा सा टाइम तो लगता है, घंटा भर तो, और उसके बाद कपड़े समेटने, बर्तन धोने, बहुत सारा काम है। ठीक है, तो प्लांट्स मैं कल लगाऊंगी क्योंकि अभी लाए हुए भी नहीं है। और खाने में भी मैं कढ़ी बना रही हूँ।
क्योंकि छाछ रखी हुई है एक दो दिन से ताकि वो खट्टी हो जाए, तो हम लोग कढ़ी बना लें। एंड जब कढ़ी बना रही हूँ तो सोच रही हूँ चावल भी बना लूँ, एक हेल्दी कॉम्बिनेशन और बहुत टेस्टी। वैसे शिब्बू को ना रेसिपी चाहिए थी एक सूजी के चीले वाली, तो बनाऊंगी अभी बहुत जल्दी है क्योंकि उसको बहुत पसंद है, दादी सबको भी बहुत पसंद था, सबको अच्छा लगता है। और ये हमारी जो कढ़ी है ये बनकर रेडी है, चावल भी बन चुके हैं, बस इनको खाना बाकी है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन गुड नाइट, बाय बाय।